क्या कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है? 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों का ऐसा ही मानना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा से कोरोना वायरस फैलने के सबूतों से पूरी तरह इनकार नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? कोविड-19 जैसे सांस के संक्रमण उन छोटी बूंदों से फैलते हैं जो किसी संक्रमित इंसान के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान बाहर निकलती हैं। ये बूंदें यानी ड्रॉपलेट कई साइज की हो सकती हैं। बड़ी और भारी बूंदें दूर तक नहीं जाती या हवा में देर तक नहीं रहती। इसीलिए 2 मीटर या 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा है। जो बूंदें बड़ी और भारी होती हैं, वो हवा में ठहरने की बजाय नीचे जमीन और दूसरी चीजों पर बैठ जाती हैं। इसलिए कुछ भी छूने के बाद हाथ धुलना जरूरी है। लेकिन ये बातें हम पहले से जानते हैं। फिर क्या बदल गया है? अब ये बात भी सामने आ रही है कि कोरोना वायरस बेहद छोटी बूंदों से भी फैल सकता है, जिन्हें एरोसोल कहा जाता है। ये हल्के होने के नाते हवा में ज्यादा ठहर सकते हैं। ये एरोसोल संक्रमित इंसान के बोलने और यहाँ तक कि उसके सांस छोड़ने में भी रिलीज हो सकते हैं, और जो भी उस हवा में सांस ले उसे संक्रमण हो सकता है। हम नहीं जानते कि ये वायरस कितनी देर तक हवा में रह सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एरोसोल ज्यादा दूर तक नहीं जाते और बाहर नहीं रह सकते, लेकिन भीड़ वाली जगह और जहां वेंटिलेशन ठीक से ना हो वहां संक्रमण हवा से फैल सकता है। कोई एक संक्रमित इंसान किसी बंद कमरे में वायरस वाले इतने एरोसोल रिलीज कर सकता है जो कई लोगों को संक्रमित करने के लिए काफी हो। लेकिन एरोसोल बहुत छोटी बूंदें होती हैं और इनमें कम वायरस होते हैं। बचाव के छोटे छोटे उपायों से भी मदद मिल सकती है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले मास्क पहनिए। आपस में एक दूसरे से दूरी और हाथ धुलना बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि बचाव के ये उपाय काफी ना हो। हवा से संक्रमण रोकने का मतलब होगा कि जितना हो सके भीड़ वाली बंद जगह पर जाने से बचा जाए। अगर किसी बंद जगह पर रहना है तो मास्क पहनना ना भूलें जब तक कि आप किसी सेफ जगह पर ना हों। सुनिश्चित करें कि कमरे में ताजी हवा आती रहे। खिड़कियां और दरवाजे जितना हो सके खुले रखें। एसी के फिल्टर अपग्रेड कर सकते हैं तो करें। स्कूल, ऑफिस, मॉल और स्टोर के वेंटिलेशन सिस्टम में ज्यादा बेहतर नए फिल्टर की जरूरत हो सकती है ताकि हवा रिसर्कुलेट ना हो। ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन रोकने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, किसी बंद जगह के अंदर की हवा आपकी दुश्मन हो सकती है। मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग के बारे में आप पहले से ही जानते हैं।